फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं ऑर्चिड फोर्ड शोरूम NH58 परतापुर बाईपास मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट .tv। यह एक गंभीर सवाल है कि आखिर यह हो क्या रहा है। जिस उम्र में नवयुवक अपना करियर बनाने के प्रति प्रयासरत होते हैं, उस वक्त वह रेप जैसी गंभीर धाराओं में गिरफ्तार हो रहे हैं। निर्भया के बाद हाथरस की घटनाओं से भी वह सबक लेने को तैयार नहीं है। मेरठ के थाना सिविल लाइन के सुभाष नगर में एक नाबालिग को दो युवकों ने अपनी हवस का शिकार बना लिया। इतना ही नहीं, उसका वीडियो भी बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देते हुए पुनः दोबारा बुलाने की कोशिश की। नाबालिग ने अपने माता पिता को यह जानकारी दी तो पुलिस हरकत में आई। दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवकों में एक नाबालिग का रिश्तेदार भी है। हाथरस की घटना के बाद चारों तरफ से आक्रोश है। यह घटना सच है अथवा नहीं, दोनों ही इसे साबित करने में लगे हुए हैं। बहरहाल, दो दिन पहले मेरठ के सुभाष नगर में यह वारदात हुई। इसकी जानकारी दे रहे हैं क्षेत्रीय पार्षद पवन चौधरी। मेरा नाम पवन चौधरी है, पार्षद सुभाष नगर से। भैया, एक छात्रा का वीडियो वायरल बना के उसके साथ रेप हुआ है, क्या पूरा मामला है? ऐसा, सुभाष नगर में एक लड़की रहती है किराए पर, उसके घर के सामने एक दूसरी लड़की रहती है जो वो सहेली है उसकी। वो उसको भैला फुसला कर अपने ताऊ के घर ले गई, जहाँ पर उसका ताऊ का लड़का और ताऊ के साले का लड़का वहाँ मौजूद था पहले से ही। उन्होंने वहाँ जाकर उस लड़की को कोल्ड ड्रिंक पिलाई। कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद अर्धबेहोशी की हालत में हो गई वो लड़की। उसके बाद दोनों लड़कों ने एक भाई को द्वारा बलात्कार किया उसके साथ। पहले उसके मामा के लड़के ने किया, जो काजीपुर का रहने वाला है। उसके बाद उसके ताऊ के लड़के ने बलात्कार किया और उन्होंने उसकी वीडियो बनाई। वीडियो बनाकर उसको वो परेशान करने लगे द्वारा कि हमारे पास आ। वो लड़की नहीं गई, उन्होंने अपनी मम्मी को बताया। उसकी मम्मी ने उन लड़कों से पूछा कि तुम मेरी लड़की के साथ ऐसी बदतमीजी करी और उसे ब्लैकमेल कर रहे हो, तो उन्होंने उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी दी और उसके बाद उन्होंने वो वीडियो वायरल कर दी, जिसके बाद वो उसकी लड़की की माँ मेरे पास आई और हमने उसकी FIR थाना सिविल लाइन में करा दी। इस बारे में SP सिविल लाइन सूरज राय ने यह जानकारी दी। ये थाना सिविल लाइन्स का मामला है। परसों इसकी शिकायत दर्ज हुई थी, इनके माता पिता के द्वारा दी गई थी। एक 15 वर्षीय छात्रा है और उसके बलात्कार और बलात्कार करने के बाद वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। इसमें संबंधित धाराओं में FIR दर्ज की गई है और दोनों अभियुक्त जिनका नाम लिया गया उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और विवेचना इसमें जारी है। लड़की नाबालिग है? हाँ। और ये दोनों लड़के सर? लड़के दोनों बालिग हैं। सर, किस तरीके से लड़की संपर्क में है? ये जैसा कि इन्होंने बताया, इसमें से एक अभियुक्त जो है ये लड़की का रिश्तेदार है और एक उसका दोस्त है, और ये दोनों किसी तरीके से लड़की को बहला फुसला के ले गए और उसको नशीला पदार्थ, जैसा इन्होंने बताया है कि उसको नशीला पदार्थ देके उसके साथ बलात्कार अत्यंत किया। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।